तुम? सब्जी खाते हो क्या तुम? कैसे पेल रहे हो तुम? सूखी सूखी अलग ही खुशबू आ रही है भाई इसके अंदर। गुड मॉर्निंग गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इनके साथ सामने खड़े हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे पड़ोसी का डॉग, उधर भौंक रहा है। अगर दिखता है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहीं पे खड़ा है। ये देखो, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया गोली की तरह। आ जाए तो बैठ ही जाए। कबूतर काफी बड़ा है, ऐसा लग रहा है दूर से चील बैठी हो, पर चील नहीं है। तो भाइयों, तभी मैं कर रहा हूँ डंबल कंसंट्रेशन। मैंने अभी अपने बाइसेप्स तो कर लिए हैं पूरे, पहले भी लगा लेता हूँ डंबल कंसंट्रेशन और बाद में भी मैं चेंज करता रहता हूँ अपने एक्सरसाइज को, रेपिटेशन भी चेंज करता रहता हूँ, एक्सरसाइज को चेंज भी करता रहता हूँ। सुपर सेट, ड्रॉप सेट, ये सब की ड्रॉप व्रॉप तो हो नहीं पाती है, ये बस ड्रॉप के लिए, तो छोटे नंबर। तो चलो आप भी ऐसे यूज करके देखना। कंसंट्रेशन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें एकदम कंसंट्रेट करके हमें काम करना होता है, ऐसे एकदम मत मारो, जहाँ तक कि मुझे बताया गया है मेरे कोच साहब ने, प्यार से एकदम फील करना पड़ेगा मसल्स को। लोगों को कंसंट्रेशन में शायद मजा आता होगा क्योंकि अपने वो देखते हैं ना ये बाइसेप्स, तो देख लो भाई। सही है, जब मैं करती थी तब बड़ा ध्यान देती थी। अभी फोर आर्म्स करूंगा, फिर मेरे को एब्स की एक्सरसाइज है मेरी रहती है, फिर रनिंग करूंगा। रनिंग तो तुम डेली करो। हाँ, जिस दिन थाई करता हूँ उस दिन रनिंग नहीं करता, बस बैक एंड बाइसेप्स के साथ में एंड चेस्ट ट्राइसेप्स के साथ में रनिंग, बस शोल्डर और थाई जिस दिन लगाता हूँ उस दिन रनिंग नहीं करता उस दिन, क्योंकि फिर वैसे ही लेग की एक्सरसाइज पूरी तरह से हो जाती है। कर लो तुम अपना कम्प्लीट। चलो करता हूँ मैं इसको कम्प्लीट दोस्तों। लो भाई, ये खिला रही है ना दाने, देख रहा हूँ, सरसों, चना, बाजरा, गेहूं, बहुत सारी चीजें मिला, मूंग दाल वगैरह मिला के पूरी डाइट चला रखे हैं इनके कबूतर की, बहुत खाते हैं, भुक्कड़ कबूतर हैं। खा लो खा लो खा लो, आओ दिखाना दाना हाथ में, देखो ये दाना है, ये ले। अपन तो इधर कर रहे हैं एक्सरसाइज भाई, अभी चल रही है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये गुंडिया आ चुका है, आज पार्टी है गुंडिया, क्या गुंडिया पार्टी है क्या आज? आज क्या है बता तो दो। एनिवर्सरी, क्या बोलते एनिवर्सरी, क्या है भाई आज पार्टी है क्या? हाँ, क्या बन के घूम रहा है भाई? वो पार्टी आज, पहले बताओ, पहले तो मेरे को पता चल। ओ ओ, खड़ा हो जा, खड़ा हो बाबू, आराम से बता क्या है आज पार्टी में, क्या क्या खिला रहे हो आज? हाँ, ओ थप्पड़ लग गई, तो पार्टी में क्या क्या है आज? चाउमीन और पेप्सी। चलो यो, आज तो गुंडियों के यहाँ पे बारात आएगी भाई साहब, ये यू कह रहा था बारात आएगी आज तो। नीचे बाबू जी को तो बुला ले, बाबू जी को भी आना, सबको आना है क्या? सब आएंगे। और कौन कौन आएगा? ये घोड़ी वाला है। नहीं, घोड़ी वाला नहीं है। ये कौन है तुम? घोड़ी वाला है। नहीं, चलो भाई साहब, गुंडिया के यहाँ पे इन्वाइट है, हम सब पार्टी है और बारात आएगी नीचे, इसका कहना ये था, है ना? किस किस की बारात आएगी? नीना नीनी ने नाय ननाई है, नन इन ननो नाना। तुमसे पागल सी ना, ना का प्रयोग कर रही हूँ। नीना नीनी ने नाय ननाई है। तुम तुम पंटंग लो। नहीं, नुन नाना लो, नुन नाला लो। हंटंती हंटे हंटम केंटा कंटा हंटे हंटे ना वाली बात करो, ना से सिर्फ सब में ना वर्ड आना चाहिए। बकवास मत करो, अभी काम कर लेते। अरे यार, जल्दी से चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। ना दिमाग की दही हो चुकी है आज मेरी, काम इतना सारा है ना, क्या करूँ यार। तो भाई वो हम तो लेके आ गए अपने कपड़े छत पर से और अभी भी ये नहीं सूखे हैं, तो इधर फैलाए जा रहे हैं, नमी रह गई इनमें, सीला ना है क्योंकि मौसम अभी ऐसे ही हो रहा है थोड़ा सा ना, धूप ढंग से निकल रही नहीं है क्योंकि आ रही है सर्दियां, आ रही है सर्दियां, बढ़ चुकी है दिक्कतें। और गुंडिया महाराज जी बिल्कुल हो चुके हैं रेडी, आज इनके घर में बारात आएगी, आज इनके घर में बारात आएगी। दिखाना जरा शकल तो दिखा दो। अरे क्या बात है, जाने तो वरना तो रेडी हो। ठीक है, ठीक है, ओके बेबी। तो आज हम आए हैं हर्षिल के साथ, हर्षिल भी है, ये भी है, और हम जा रहे हैं सब्जी मंडी की तरफ सब्जियां देखने और लेने। और ये हमारे अपना सामान लेने जा रहा है। अच्छा, एक लेने पैसे हैं।
पैसे है नहीं, केक लेना है, पेप्सी लेनी है, पार्टी है घर पे। तो चलो सब्जी मंडी की तरफ हम देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं। लेट्स सी, एंटर हो चुके हैं हम सब्जी मंडी में। गोभी कैसी दी है? 30 रुपए किलो, 30 रुपए के जी। तो भाई सब मिल चुके हैं हमें गोभी, कीड़े वीड़े वाला फूल मत निकालना गारंटी के साथ। चलो चलो भाई, 1 किलो में नाप दी इन्होंने, कोई बात नहीं, थैंक यू जी, दो। ये रही भैया मसाले की दुकान, पूरी अभी लग रही है मंडी इधर से उधर। ये मोचपुर चौक इधर से, ये गुड़ वाले भैया बैठे, गुड़ वाले भैया मोटे मोटे बैंगन दो भाई साहब, मिल गए हमें बैंगन, मिल चुके हमें बैंगन, मोटे वाले उठाओ दोस्त, बढ़ते दे मतलब दे, हल्के हल्के से, लाइट लाइट हुए। चलो छाटते हैं, ये रही मंडी लग रही है पूरी, और इधर गुंडिया बैठा हमारा, गुंडिया सब्जी खाते हो क्या तुम? मजा मजा आता है क्या तुमको खाने में? हाँ, क्या ले लें? आलू बहुत पसंद है इसे, आलू, आलू का दीवाना ले लेंगे। गोभी किस भाव है? पत्ता गोभी भाई 20 चल रही है, 20 रुपए किलो। तो हम आ गए कृष्णा मंदिर की, कृष्णा मंदिर की धर्मशाला। अच्छा, और इधर ये कृष्णा मंदिर बहुत आता था यहाँ पर। अच्छा, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने आता था मैं, देखो। हाँ, ये तो काफी बड़ा, घुमा देंगे किसी। अब हम जाएंगे गंगा डेयरी की ओर, समोसे मिल जाते हैं तो उसे खिला देना। ठीक है, मिल गए तेरे समोसे, चल आ जा। बोलो, पूछो अंदर कहाँ जा रहे हो? समोसे पूछो, समोसे इधर नहीं जाना, गाड़ी दे चल मेरे को। चलो पैक करा रहे हैं समोसे तुम्हारे, ठीक है भैया पैक कर रहे हैं। बस बस, तुम्हें पार्टी देनी चाहिए थी ना, अपनी मम्मी के पापा की एनिवर्सरी की, और मेरे से पार्टी ले, समोसे खिला दो। हम आ गए यहाँ पे, यहाँ से हम फ्रोजन मटर लेंगे गंगा डेरी से। चलो मटर तो मैंने ले लिया। लो भाई मित्रों, गुंडिया आ चुका है, समोसे लग रहे हैं, देनी चाहिए इसको पार्टी, लेकिन ले रहा है हमसे ये पार्टी। ये बोल रहा है चाचू एक तो समोसा खिला दो कम से कम, ये क्या बात होती है भाई, तुझे देनी चाहिए पार्टी। आज तेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, मेरे से पार्टी मांग रहा, तुम्हें देनी चाहिए। देख लो गुंडिया को कैसे समोसे पेल रहा है, कैसे पेल रहे हो तुम, ये गरम होंगे अंदर से, ऐसे खा रहे, देख दे, देख रहा कैसे खा रहा गुंडिया महाराज, मेरे को पार्टी चाहिए शाम को। तो भाई आज शुरू होने जा रहा है हमारा चूल्हा, चूल्हे का करेंगे उद्घाटन, फटाफट से मैं कर लेता हूँ सेटअप। ये जला रहे हैं इधर, सूखी नहीं जला नहीं रहे, ये रख रहे हैं इसको, सजा रहे हैं पूरे चूल्हे को, पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, और फिर इसको करके जलाएंगे। करके कौन जलाता, चलो भाई चलो तैयारी कर लो, सेटिंग कर लेता हूँ मैं फटाफट से। मम्मी नीचे काट रही है गोभी, और हम इधर जलाएंगे मटर पूरे एकदम देशी स्टाइल में खाएंगे, देशी स्टाइल में आ जाएगा कटाई जी। पहले चालू हो जाता है लेकिन इनके टूंडे हाथ की वजह से लेट हो चुका है हमारा, हम खा रहे होते कम से कम 1 महीने पहले से रोटियां सब्जियां। हाँ मतलब 1 महीना हो जाता अब तक। ओके चलो कोई बात नहीं, तो चलो आज इसी बात पे शुरू करते हैं। चश्मा भी आ चुके चश्मा, जिसको चश्मा। तो अब हम इस साइड में बैठ के हम कर लेते हैं एडिटिंग, क्योंकि हम पूरे दिन रहे हैं हम बिजी, तो इसी बात पे इधर से बनेगी सब्जी और इधर होगी एडिटिंग। और ये बोलना कुछ चाह रहे हैं, क्लासेस शेड्यूल में थी बच्चों को पढ़ाने में, तो पूरा दिन आज उसमें ही चला गया। यस, तो करते हैं हम इसको एडिटिंग कंप्लीट और मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। ओ भैया जाने तमन्ना भी आ चुकी है, आज तो पार्टी होके रहेगी, आज तो पार्टी होके रहेगी। हीट है ना, तुम्हें याद भी है हम यहाँ पे क्या करते थे इस जगह पे, याद है तुम तो? आज हम और चिन्ना मामा निकल गया। क्या हो गया? चिन्ना मामा। अच्छा चिन्ना मामा निकल गया, ये रहे इसके मामा है चंदा। ठीक है चलो फटाफट। तो भाई हमारा चूल्हे का शुभारंभ शुरू हो चुका है, सूखी सूखी पतली पतली लकड़ी। हाँ इसको ना थोड़ा सा इसको पलट दो, इसको पलट दो, और अब हम इसको तैयारियां करेंगे अपने जोर शोर से। अभी मम्मी नीचे से सामान कट चुका है, तो हम फिर लेकर आएंगे इधर उधर से वहाँ से। जल्दी आओ जल्दी, इतना टाइम नहीं लगा, मेरी जान तो मैंने लकड़ी दे रही है, मेरे तो हेल्प कर रही है। देखो छोटी छोटी ढूंढते इधर से बाबू इधर से देख इधर से यहाँ से, ध्यान से हाथ में मत मार लेना, बैठ बैठ के तो छोटी छोटी ढूंढ ले, चल आराम आराम से देख रहा है। वो भैया तेरे में तो ताकत बहुत है यार, तू तो यूं यूं खा देता है एक हाथ से, आजकल बहुत समोसे खा रहा है तू। हाँ हाँ निकाल ले छोटी छोटी लकड़ी लाओ, देखते लकड़ी बट पत्थर है ये तो। ओए गुंडिया व्हाट आर यू डूइंग गुंडिया। हाँ अरे वाओ देखो भाई साहब कितनी सुंदर लकड़ी दी है मेरे बाबू ने, बहुत हेल्प कराता है मेरी। हाँ अरे वाओ, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, चलो बैठ जाओ थक गए अब तुम। क्या तुमको याद है मैं यहाँ पे तुम्हें क्या खिलाता था? रोटी। कौन सी वाली? घी वाली। वो भैया इसको तो याद है यार, जान तमन्ना तो चूल्हे तो तुम्हें याद है क्या? हाँ याद है। अरे यार मेरी जान तमन्ना तो बहुत दिमागदार है यार, ये तो बता दो गाइस को। बस चाचू मैं चूल्हा जलाती खिलाती
हाँ नोती घी लगा के घी लगा के और उसमें नमक भी डालते थे और हम छत पे बैठे रोटी खाते थे मजे से। इन्हें क्या पता है तुमसे इनसे गाइस से पूछ रहा है बाबू अभी बोल नहीं पाएंगे भाई कमेंट में लिख देना जरा बाबू भाई देखो पूरी तरह से दहक चुकी है आग कढ़ाई यहाँ पे लग चुकी है और बाकी धीरे धीरे सामान लेके आते हैं और यहाँ पे बूढ़े पताते चल रहे हैं पताते नहीं होते पापा कुछ लगा दूं वहाँ पे कुछ ईंट छोटी सी क्या हम देखते हैं कि किस हिसाब से रखना है मम्मी थोड़ा बताएंगी। देखिए ये सारा मसाला बनके ऊपर आ चुका है टमाटर और जो भी स्पाइसेस हैं सारे खड़े और पाउडर वाले ये सारे मिक्स करके मम्मी ने ऊपर भेजा है और इधर ये फ्रोजन मटर लेके आए थे मम्मी ने वॉश करके ये भी दिए है। रुक जा बेटा मैं दे दूंगी थोड़ी सी मतलब पेट में दर्द हो जाता है ज्यादा कच्ची मटर खाने से अब इतनी ठीक है अब नहीं लेना क्योंकि सब्जी में पड़ेगी ना फिर बन के खाना। और भाई सारा काम निपटा के मैं तो इत्थे बैठा हूँ मजा आ गया ना अभी मम्मी आ चुकी है जीरा वीरा डाला है तेल हो चुका था अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि आग की आंच काफी तेज थी हल्की करी है। मास्टर शेफ आ चुकी है हमारी मास्टर शेफ पानी लिया है पानी है थोड़ी सी अभी शुरुआत है ना अभी हो जाएगी सेटिंग मम्मी खुद का भाई मम्मी ने तो खुशबू उड़ा दिया। चलो इसको प्रोसेस धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा मसाला रेडी हो रहा है गुंडिया इधर सो रहा है मसाला रेडी हो रहा है और गुंडिया इधर सो रहा है। टाइल्स की गिट्टी जैसे इसलिए लगाई जिससे कि कढ़ाई मूव ना हो और ये मम्मी का कहना था हिले विलेगा नहीं थोड़ा कढ़ाई का डर नहीं रहेगा इसलिए लगाई है सपोर्ट के लिए। ये जीशा आ जाएगा भाई चेकिंग चल रही है मटर वो भी इधर रखी हुई है अपना डबल थाल में करके रखी है जिससे गंदी ना हो धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगी जो कमी पेशी निकल रही है उन्हें उसे सेटिंग बंद करा जाएगा अपनी कमियों पे काम किया जाएगा। तो बैठ चुकी है पटरानी अपने पटरे पर पटरा तो है ही नहीं पटरानी अपने पटरों पे बैठ के और सब्जी चला रही है और ये दोनों गुंडिया आ चुके हैं यहाँ पर और एक ही गुंडिया चलो रनिंग करो कमोन वेरी गुड भादो। लो भाई मित्रों तैयार हो रही है हमारी आलू आलू तो है नहीं मम्मी मैंने मटर और गोभी अच्छा आलू डाल दिए थे तुमने इसमें अच्छा आलू गोभी मटर धीमी धीमी आंच पे देखो इतनी आंच है इस आंच पे पक रही है अंदर तक इस टाइम इसका पानी सूख चुका है खुशबू उड़ चुकी है पूरे में तहलका मचा रखा मम्मी ने पूरे में एकदम बेहतरीन करके बना रही। इन लोगों की इधर एक्सरसाइज चल रही है अरे उधर नहीं खुले उधर चोट लगेगी फिर देख लो ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे उड़ते हुए चूल्हा जल रहा है इसलिए हो रहा है बस यहीं से यहाँ पे और यहाँ तक खेल लो तो देख लो भाई बहुत टाइम चलाओ ऐसे बच्चे पालने पड़े हैं मेरे को बहुत काम करना पड़ा बनी बनाई में हाथ फेर रहा हूँ मैं मम्मी बीच में देख के जा रही है मम्मी बोल के गई है बस इसे आटा वाटा मम्मी आप वो लेने गई है रोटी की तैयारी करने भून रही है ना तो बस भूनने का ही हो गया बस ऑलमोस्ट रेडी है बस थोड़ा सा और भून जाए उसके बाद हम इसको साइड में रखेंगे तवा चढ़ाएंगे रोटियां पहुंच जाएंगी। यो ब्रो तो देख लो भाई गोभी आलू दिखाऊं मम्मी एक बार मारना इसमें हाथ से ये लो ये देखो भाई साहब ये हो चुका रेडी धुम्मा ढा रखा भाई हरा धनिया बाद में तैयारी हो रही है रोटियों फटाफट से फुलके बनेंगे तैयारी हो जाने देते हैं फिर देखा आपको। तो भाई जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं हमारी रोटी मम्मी पा रही है इतनी घी लगाने के लिए बैठते हैं तवा हो जाने दो गरम लो इस शुरू हो चुके अपनी रोटियां बननी फुलके हो चुके हैं रेडी देखो फूल गया ना पूरा फुलका ये मम्मी का एक्सपीरियंस है फूल चुका फुलका सिकाई चल रही है अच्छे से बेहतरीन है सवाल गोलगप्पा जैसे साफ करूंगा रोटी की जितनी भी राख बाग है झाड़ कर अच्छे से साफ करके फिर इसमें मेरा काम शुरू ये वाली रोटी हो घी लगाओ और जो नमक लगे और फिर जो रोटी गोल गोल घुमा के जो खाओ कतई जीशा आता है हाँ। ये बचपन में ऐसी खाई है रोटी देखो इसमें अलग अलग ही खुशबू आ रही है भाई इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की गैस में नहीं आती है फटाफट से रोटियां बन जाती हैं फिर हम खींचेंगे जीशा आ गया तो रोटियां हो चुकी हैं ऑलमोस्ट रेडी देख रहे हो दो से एक दो रोटियां रह रही हैं देखो फ्लावर दिखाओ जरा फ्लावर देखना अभी आई है फ्लावर इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी रोटियां फूली हैं हमारी थोड़ी छोटी करके बना रही है मम्मी लटक जाती है ना इसलिए ये फूली फूल गई मैं चूर हो गई गाने देख लो वैसे हाथ ऐसे हो चुके देखो है ना फूल फ्लावर देखो दिखाओ है ना करारी क्रंची रोटी अब मैं जो क्या कर रहा हूँ देखो ये राख लग जाती है इसको साफ कर देता हूँ
तो मेरा बहुत मेहनत वाला काम है। हो गई मम्मी रेडी? लो भाई जी, तैयार हो गए। हम बढ़ चुके, अब चलेंगे नीचे और दिखाएंगे प्रेजेंटेशन पूरी तरह से। यो मैन, और आज का जो पूरा व्लॉग हमारा चिल्ले देसी वाला रहा। मजा रहा यार। कर दो शुभ अंताक्षरी। हाँ जी बोलिए जी। तो भाई साहब हमारा लग चुका है खाना, जैसे कि आप देख रहे हो। ये हमारी आलू गोभी मटर विद 2 चपाती और एक हरी मिर्चा, चूल्हे वाला खाना, हमारा देसी खाना। और इधर यार वो कपड़े सूख रहे थे तो इसलिए उसको अवॉइड करो, उसको निपटाते हैं। तो इसी बात पे आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय। बहुत बुरी तरह से खाना खा के मैं सो जाऊंगा। चलिए बाय बाय बाय।